खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। आज रविवार को कतरास के टीलाटार में जनता श्रमिक संघ सह भाजपा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जनता श्रमिक संघ की महामंत्री श्रीमती रागनी सिंह सम्मिलित हुई, जहां ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। कतरास में युवा नेता श्री धर्मेंद्र बुद्धा एवं श्री विवेक हजारी ने अपने सैकड़ों समर्थकों और युवा साथियों के साथ श्रीमती रागनी सिंह में अपनी आस्था व्यक्त कर भाजपा एवं जनता श्रमिक संघ का दामन थामा और साथ ही यह संकल्प लिया है कि जनता श्रमिक संघ का जो संकल्प है कि मजदूर हित और मजदूर के हक अधिकार में की लड़ाई में संघर्ष करना, लड़ाई लड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर यह पूरी टीम जनता श्रमिक संघ के साथ खड़ी रहेगी और साथ ही उनके सभी अनुशासन नियमों का पालन करेगी। इन दिनों जनता श्रमिक संघ की लोकप्रियता अन्य मजदूर संगठनों से कहीं अधिक लोकप्रिय हो रही है और यही कारण है कि झड़िया क्षेत्र हो, कुसुंडा क्षेत्र हो या फिर कतरास बागमारा क्षेत्र, वह युवा और मजदूर भाई बहन एवं श्रमिक नेताओं का कारवां जनता श्रमिक संघ से जुड़ता जा रहा है और यह कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे यह कारवां जुड़ते हुए एक बड़ी समुद्र का रूप लेने जा रही है, जो आगे जब भी मजदूर हित में जब भी किसी मजदूर का अहित होगा, जनता श्रमिक संघ मजदूर के हक की लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। वहीं श्रीमती सिंह ने शामिल हुए सभी युवा साथियों का माला पहनाकर संगठन में स्वागत कर उन्हें अपनी विशेष शुभकामनाएं दी। इस दौरान जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिलाएं, पुरुष एवं युवा साथी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी और विवेक जी के नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में जनता श्रमिक संघ में आस्था जताया, तो सबको स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और उद्देश्य यही है कि जनता श्रमिक संघ सच की लड़ाई लड़ती है, यही आस्था देखते हुए इन लोगों ने आस्था जताया है। हमारे संगठन के बीच में कोई भी आएगा उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। मजदूर का हक दिलाने के लिए हर व्यक्ति का हम लोग जवाब देंगे। निश्चित तौर से जिस तरह से हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, ऐसा हमारे पार्टी भाजपा भी मजबूत हो रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहीं भी अगर हमारा संगठन में लोग जुड़ रहे तो निश्चित तौर से हमारा आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो रही है। निश्चित तौर से 2024 में 14 पार हम लोग करेंगे। वही है कि जिस तरह से हमारा संगठन मजबूत हो, उस तरह से हमारा भाजपा पार्टी भी मजबूत हो, यही लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। तो बिल्कुल ये आए हैं तो संगठन के साथ साथ हमारी पार्टी भी मजबूत हुई है और 2024 में हम लोग एक लक्ष्य लिए है कि 14 पार। कमी हो तो हम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, हम क्या अपने मजदूर के लिए कर सकते हैं, वो हम सिर्फ अपने बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि गिरिडीह लोकसभा काम पे आ रही है। अब देखिए, वो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, वो तो पार्टी तय करती है, लेकिन हम हर विधानसभा में जरूर जाएंगे क्योंकि मेरा संगठन हर जगह काम करती है और संगठन के साथ साथ मेरी पार्टी भी मजबूत हो रही है, ये मेरा लक्ष्य है क्योंकि मैं इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा दलाली करना बंद कर दो और लगातार जिस तरह से मजदूरों के साथ शोषण लोग कर रहा है, लोग बोलता है कोयला चोरी कोयला चोरी कोयला चोरी, लगातार आवाज आप सब भी सुन रहे होंगे। तो आप भी बताइए, बेचारे हमारे साइकिल वाले लोग पालन पोषण के लिए कोयला चोरी करते हैं तो बेचारे चोर कहला जाते हैं, और जो हाइवा की हाइवा पास करवा रहे हैं वो ठेकेदार वो बिजनेसमैन कहला जाते हैं, इसलिए कहलाते हैं कि नेताओं के पेट में पैकेट में पैसा भरने का काम करते हैं।
इसमें प्रशासन का भी मिली भगत रहता है, प्रशासन भी कोयला चोरी कोयला चोरी रोज दिखाएगा, सिर्फ साइकिल का चोरी, लेकिन हाइबर ट्रक का चोरी नहीं दिखाता था। आज जब चुनाव आया तो थोड़ा विराम लगा है और लोग चिल्लाते रहते हैं, तब चिल्लाते हैं जब उनका पैकेट पे रोक लगता है, और जब चालू सुचारू रूप से चालू रहता है तब आप आवाज नहीं उठाते हुए कभी देखिएगा कि कोई बोलेगा कि कोयला चोरी हो रहा है, उसी पर आवाज उठेगा बेचारे हमारे साइकिल वाले, झोड़ा वाले, टोकरी वाले, खुमचा वाले, जो अपने पालन पोषण के लिए अपने परिवार के लिए वो बेचते हैं उसको लोग बोलते हैं चोर, और जो बड़ा बड़ा हाइबर ले जा रहा है उसको ठेकेदार बोलते हैं, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। तो ये हमारे नेता का ही देन है, ये हमारे नेता का ही गुण है जो चोरी करवाना सबसे नंबर वन, क्योंकि ये सारा श्रेय नेता को जाता है। हम सबसे बोलते हैं कि चोर कौन पैदा करता है, नेता, क्योंकि उनका पैकेट भरता है तब तक तो ठीक है, लेकिन पैकेट नहीं भरता है हमारे मजदूर, हमारे जितने भी नीचे तबके लोग हैं उनसे भी उनको पैसा चाहिए। तो ये चीज हमारा परिवार, हमारा सिंह मेंशन, हमारा संगठन करने का तैयार नहीं होता तो उन्हें चुभन होती है, और ये ना कभी हुआ था ना होगा और ना आगे होने देंगे। कई क्षेत्रों में इस तरह से लगातार शोषण होते रहता है। आज अगर यही हाल रहता तो कोई विश्वास नहीं खोता। हमें क्या जरूरत थी कि कहीं भी कतरास हो, निरसा हो, सिंदरी हो जाते, अच्छा से लोग, बहुत सारे नेता हैं, अपना अपना संगठन चला रहे हैं, अपना काम करते, लेकिन अगर विश्वास है तो जनता श्रमिक संघ पे है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सही लड़ाई लड़ाते हैं, सही हक दिलाने का काम करते हैं मजदूरों के लिए। अगर जान भी हमारे संगठन में नेतागण आती है बारी तो पीछे नहीं हटते हैं, ये हमारा शुरू से परंपरा रहा और आगे भी जारी रहेगा। हमें किसी से, मैं हमेशा चेतावनी दे रही हूँ कि कोई भी हमारे नेतागण पे, हमारे संगठन पे अगर आंख उठा करने का प्रयास करेगा तो उसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, ये हमारा एक रूल है। क्यों कि हम लोग लगातार संगठन के, हमारा संगठन देकर आप सब संगठन चलाना सीखे हैं। अभी बहुत सारे लोग बोले संगठन था कहाँ, संगठन तो हमसे लोग सीखा है, संगठन चलाना हमारा परिवार से सीखा है, संगठन कैसे चलता है आज तक सही तरीके से लोग जाना नहीं। अगर संगठन चलाता तो शायद बहुत पीछे लोग नहीं रहता। आज यही दिन है कि लोग लगातार आस्था जताते हैं मेरे पे, मेरे संगठन पे, हमारे परिवार पे, विधायक जी पे, जो विश्वास वो आज लोगों के बीच नहीं भी है, लेकिन युवाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति जो रुझान, जो आस्था है आज भी कायम है। मैं ये सदा आभारी रहूंगी। और अब रह गया बात कार्यक्रम कराने के लिए, तो मैं लगातार कतरास हो या बघमारा हो या धनबाद के कोई क्षेत्र हो, किसी का औकात नहीं है कि हमारा कार्यक्रम कोई रोक दे। जिंदाबाद, 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 टूटेगा, जिंदाबाद।